भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ हर कुछ दूरी पर आपको मंदिर दिख जाएंगे। हर मंदिर की अपनी कहानी, प्राथमिकता और इतिहास है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजा हुए रंग, हर कोई भगवान के चरणों में शीश झुकाता है और उनका आशीर्वाद लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं उत्कर्ष सांची ब्लॉग। और आज मैं ऐसे एक मंदिर के सफ़र पर आपको ले जाता हूं, जो वो मंदिर है देवड़ी मंदिर, जहां खुद कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी अक्सर परिवार के साथ जाया करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो माता देवड़ी की कृपा से ही हैं। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर। जब आप रांची से टाटा के लिए NH-33 से होकर गुजरेंगे तो रास्ते में तमाड़ा नामक एक जगह है, वहीं पर यह मंदिर स्थित है। रांची से इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। यहां पहुंचना बेहद आसान है। हर समय यहां पहुंचने के लिए आपको रांची से बसें मिल जाएंगी। सड़क से ही आप इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप ओवरब्रिज चढ़ेंगे, इस मंदिर का गुंबद नज़र आएगा। ओवरब्रिज के नीचे से एक रास्ता मंदिर तक जाता है। झारखंड में माँ काली का यह मंदिर हर किसी की जुबा पर रहता है। मौका मिलते ही लोग इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। खुद भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी समय समय पर इस मंदिर में पूजा करने पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि झारखंड के अलावा अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आज समय समय पर आते रहते हैं। यह मंदिर झारखंड विशेषकर रांची की पहचान बन चुका है। यहाँ 16 भुजाओं वाली माँ काली की 3.5 फुट ऊंची प्रतिमा है, जबकि अन्य मंदिरों में इतनी भुजाएं वाली प्रतिमा नहीं होती, 8 या 10 भुजाएं वाली ही प्रतिमा होती है। मंदिर को लेकर कई रोचक कहानियां प्रचलित हैं। दावा किया जाता है कि यह मंदिर करीब 700 वर्ष प्राचीन है। इसका निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण होते किसी ने नहीं देखा। यहां माता की पूजा अर्चना के बाद चुनरी यहाँ मन्नत के रूप में बांध दिया जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आकर चुनरी खोला जाता है। मंदिर की पुजारी की बात माने तो एक रात एक भक्त को सपना आया। सुबह उठकर उसने जंगल में मंदिर की खोज शुरू कर दी। काफ़ी मेहनत के बाद उसे घने जंगल के बीच एक मंदिर नजर आया। वह देखकर दंग रह गया। इसके बाद उसने ग्रामीणों को इस मंदिर की जानकारी दी। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी कथा भी है प्रचलित है। कहा जाता है कि झारखंड के तमाड़ में तब एक राजा हुआ करते थे, नाम था केरा। वह युद्ध में हार कर घर लौट रहे थे, तभी उनके सपने में आई। उन्होंने राजा से कहा, मेरा मंदिर निर्माण कराओ। इसके बाद राजा ने अपने कर्मचारियों को मंदिर निर्माण कराने का आदेश दिया। जब उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया तो उनका राज्य दोबारा मिल गया।
ये पौराणिक मेन मंदिर है, बाकी का निर्माण बाद में कराया गया। इस मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार का सीमेंट या चिपकने वाला पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े शिले एक के ऊपर एक रखकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहां आपको आदिवासी और हिंदू संस्कृति का मेल देखने को मिलेगा। सप्ताह में 6 दिन आदिवासी पुजारी यानी कि पाहन पूजा करते हैं और एक दिन मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस देवी माँ की मूर्ति की शैली उड़ीसा मूर्ति शैली से मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि कलिंग अभियान के दौरान महान सम्राट अशोक ने देवड़ी मंदिर का निर्माण कराया। देवड़ी मंदिर के निर्माण के पीछे कथाएं कुछ भी हो, लेकिन प्राचीन काल से यह आस्था और धर्म का अनूठा सा केंद्र माना जाता है।